कल ये खबर सामने आई थी कि मनीषा रानी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। फैंस को ये गुड न्यूज़ दे चुकी है कि वो बाहर आ चुकी हैं और थोड़ा अच्छा फील कर रही हैं, अपने घर पर इस वक्त है। उन्हें प्यार देने के लिए सभी को ढेर सारा प्यार। जी हाँ, मनीषा ने क्लियर कर दिया है कि नाउ शी इज़ एट होम एंड फीलिंग वेरी मच बेटर देन बिफोर। अब मनीषा को आखिर क्या इशू आया था, क्या बीमारी हुई थी, ये उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है। मनीषा रानी इससे पहले भी कुछ महीनों पहले एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, जब उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था, वो भी झलक दिखलाजा में काम करते हुए। अब ऐसे में मनीषा रानी अपने कुछ बिजी शेड्यूल के दौरान शायद अपना ख्याल नहीं रख पाई, काफ़ी ट्रैवल कर रही थी, शूट कर रही थी, और ये हो सकता है कि उन्हें कोई तकलीफ़ फिर से हुई हो। बट गुड न्यूज़ तो यही है कि अब वो ठीक है और अपने घर भी वापस जा चुके हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए उनका परिवार भी वहाँ पर यकीनन मौजूद होगा। उनके भाई रोहित तो अक्सर वहीं रहते ही हैं और उनकी टीम वाले भी। मनीषा रानी आने वाले दिनों में यकीनन फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हुए अपने फैंस को अपडेट देती रहेंगी और उनको एंटरटेन भी करती रहेंगी, लेकिन फैंस की सबसे पहली मेन कंसर्न मनीषा की तबीयत है कि वो अपना इतना ख्याल रखे कि फिर से बीमार ना हो और हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी ना जाना पड़े। क्या कहेंगे इस बारे में आप सभी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा।